Hi everyone. हम जब भी वर्ड में एलिमेंटर की हेल्प से किसी भी दो सेक्शन को क्रिएट करते हैं तो हमेशा सेक्शन के बीच में एक लीनियर सा डिवाइडर होता है यानी कोई इंप्रेसिव टाइप का डिवाइडर नहीं है जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो ये टॉप का सेक्शन है और ये बॉटम का सेक्शन है तो इन दोनों के बीच में सिंपली सी एक लाइन है जो इन दोनों सेक्शंस को डिवाइड करती है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस बेसिक सी लाइन को हटा करके हम कुछ इस ब्यूटिफुल टाइप का शेप डिवाइडर लगाना सीखेंगे देखो आप ये कितना इंप्रेसिव है और कई तरह के डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ शेप डिवाइडर्स होते हैं जो हम दो सेक्शन के बीच में बहुत इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एलिमेंटर सो मैं हूं आपका वर्डप्रेस इंस्ट्रक्टर Saddam कासिम विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो सो दिस इज द वर्डप्रेस डैशबोर्ड और यहां पे है होम पेज लेट्स क्लिक ऑन एडिट विद एलिमेंटर सो एलिमेंटर की एडिटिंग स्क्रीन इनेबल हो चुकी है और यहां पे हमारे पास दो सेक्शंस हैं दिस इज द टॉप वन एंड दिस इज द नेक्स्ट वन फर्स्ट वाले सेक्शन में हमने बैकग्राउंड में एक इमेज को सेट किया है और सेकंड वाले में एक बैकग्राउंड कलर सेट किया है जो कि स्काई ब्लू कलर का है अब पहला रूल ये है जब आप शेप डिवाइडर लगाओगे तो शेप डिवाइडर हमेशा सेक्शन लेवल पे ही लगता है यानी किसी सेक्शन पे ही शेप डिवाइडर लगेगा आप किसी कॉलम पे या किसी पर्टिकुलर एलिमेंट पे नहीं लगा सकते तो अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो टॉप का सेक्शन जो है इसके जस्ट नीचे एक बेसिक सी लाइन आ रही है है ना तो इस बेसिक्स की लाइन को हटा करके हम एक ब्यूटीफुल सा शेप डिवाइडर यहाँ पे लगा सकते हैं कैसे आपको सिंपली सेक्शन के पहले सेटिंग में जाना होता है आफ्टर दैट स्टाइल टैब में देखिए बैकग्राउंड में हमने ऑलरेडी इमेज को सेट किया हुआ है लेट्स कोलेप्स दिस बैकग्राउंड टैब और यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा शेप डिवाइडर का ऑप्शन लेट्स एक्सपैंड इट नाउ किसी भी सेक्शन में शेप्ड डिवाइडर या तो आप सेक्शन के टॉप पे लगा सकते हो या फिर उसके बॉटम में लगा सकते हो तो यहाँ पे इसीलिए दो ऑप्शंस दिए हुए हैं एक है टॉप और दूसरा है बॉटम फर्स्ट ऑफ ऑल हम टॉप को समझ लेते हैं जैसे हमने टॉप सिलेक्ट किया अब यहाँ पे टाइप है ये एक ड्रॉप डाउन दिया हुआ है इस ड्रॉप डाउन में काफी सारे प्री डिफाइंड शेप डिवाइडर्स आपको मिल जाएंगे जैसे कि माउंटेन्स अब जैसे मैं माउंटेन्स पे सिलेक्ट करता हूं तो आप देखो टॉप पे ये माउंटेन टाइप का शेप डिवाइडर बन के आ गया चूंकि हमने टॉप वाला टैब यहाँ पे सिलेक्टेड रखा है इसलिए इस सेक्शन के टॉप पे ये शेप डिवाइडर आ गया बट बेटर तरीका ये है कि हम टॉप में शेप डिवाइडर नहीं लगाएंगे बिकॉज ये फर्स्ट सेक्शन है और फर्स्ट सेक्शन के जस्ट ऊपर हेडर होता है तो हम इस सेक्शन के बॉटम में शेप डिवाइडर को यूज करने वाले हैं so ये है बॉटम टैब अब यहाँ पे टाइप में फॉर एग्जाम्पल आप सेलेक्ट करो ड्रॉप्स तो देखिए इस टाइप के ड्रॉप्स बन करके आ जाती हैं आफ्टर दैट जैसे ही आप ड्रॉप्स को यहाँ पे सेलेक्ट करोगे तो कुछ और ऑप्शंस यहाँ पे एक्सपेंड हो जाते हैं जैसे कि हाइट मैं जैसे देखिए हाइट को इंक्रीज करूंगा ये ड्रॉप्स की हाइट अपने आप इस तरह से इंक्रीज होती जाती है नाउ लेट्स ट्राई सम अदर शेप डिवाइडर जैसे कि क्लाउड्स देखिए बादल टाइप का आ गया है यहाँ पे अब इसके बाद आप इसकी हाइट वगैरह इंक्रीज करो देखिए इस टाइप से हाइट इसकी इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगी नाउ लेट्स ट्राई सम अदर वन जैसे कि जिग्जैग देखिए जिग्जैग इस टाइप का होता है आप चाहो तो हाइट इसकी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो वी कैन ऑल्सो इंक्रीज और डिक्रीज द विध यानी आप इसकी चौड़ाई वगैरह भी कम या ज्यादा कर सकते हो सो इट इज जस्ट लाइक कांटे टाइप का दिख रहा है मेरा फेवरेट है ब्रश। so, ये ब्रश है। यहाँ पे हम विद इसकी कुछ कम कर देते हैं ओके okay, सो so, ये कुछ इस टाइप का दिखाई देगा देखिए काफी ब्यूटीफुल है ये आप चाहो तो हाइट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सो so, हाइट आई थिंक इतनी बेटर है ये है ना अब आप देखो एक बेसिक सी जो डिवाइडर था यहाँ पे यानी कि एक लाइन बनी हुई थी वो लाइन हट करके एक ब्यूटीफुल सा वेव पैटर्न टाइप का यहाँ पे डिवाइडर आ चुका है जिसे हम कहते हैं शेप्ड डिवाइडर अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ये है जो नीचे वाला सेक्शन है उसका कलर है स्काई ब्लू और यहाँ पर शेप डिवाइडर का जो बैकग्राउंड कलर आया है वो बेसिकली वाइट आ गया तो ये अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है लेट मी शो यू इन अ न्यू टैब सो पहले इस पेज को हम अपडेट कर लेते हैं एंड आफ्टर दैट इस पेज को ओपन करते हैं न्यू टैब में ताकि आपको बेटर तरीके से डिफरेंस यहाँ पर समझ में आएगा ओके okay, सो so आप यहाँ पे देखो ये तो शेप डिवाइडर हमने लगा लिया बट यहाँ बैकग्राउंड कलर वाइट है अगर बैकग्राउंड कलर भी सेम ये ब्लू वाला हो जाएगा तो ये ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाई देगा तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो पहले तो सेकंड वाले सेक्शन की सेटिंग में चलते हैं और इसका कलर कोड निकाल लेते हैं तो स्टाइल में चल के ये है कलर्स और यहाँ पे दिया हुआ है कलर कोड लेट्स कॉपी इट वापस चलते हैं हम टॉप वाले सेक्शन की सेटिंग्स में ओके okay, लेट्स जंप ऑन दि शेड डिवाइडर ऑप्शन आफ्टर दैट बॉटम टैप पे जाएंगे नाउ यहाँ पे आपको दिया हुआ है कलर्स का ऑप्शन तो इस कलर्स वाले बॉक्स में आपको सेम कलर कोड पेस्ट करना है ऑल राइट इट्स डन अब आप देख सकते हो ये नीचे वाले सेक्शन से बिल्कुल मैच कर गया लेट्स अपडेट इट एंड नाउ वी कैन रिफ्रेश आवर फ्रंट पेज हैवी गो सो अब आप यहाँ पे देख सकते हो शेड डिवाइडर प्रॉपर तरीके से लग चुका है और यहाँ पे हमने नीचे वाले सेक्शन से कलर से भी मैच करवा दिया नाउ दिस लुक्स परफेक्ट अब हम नीचे वाले सेक्शन में बॉटम में शेप डिवाइडर फिर से लगाएंगे ताकि यहाँ पे आप देखो ये टॉप में दिखाई देगा बेसिकली इस वाले सेक्शन के और यहाँ पे एक बॉटम में भी आ जाएगा तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं अब हम चलते हैं जो नेक्स्ट वाला सेक्शन है बेसिकली यहाँ पे ये यह दूसरा सेक्शन लिया हुआ है तो इसकी सेटिंग में हम चलते हैं ओके okay? अब इसमें भी हम बॉटम में लगा देंगे शेप डिवाइडर तो आप चलो स्टाइल पर ओके अब यहाँ पर फिर से हम जंप करते हैं शेप डिवाइडर पर और यहाँ जाएंगे हम बॉटम में नाउ टाइप में फिर से चल के हम यहाँ पर किसी डिफरेंट टाइप का शेप डिवाइडर लगाएंगे जस्ट लाइक माउंटेन्स ना माउंटेन्स टाइप का ये आ चुका है अब इसके बाद आप चाहो तो इसकी हाइट को इनक्रीज कर लो ओके okay, so दिखाई दे रहा है टॉप से बॉटम okay, so सेक्शन में डिवाइडर लगाया है एंड देन आफ्टर वी हैव दिस काइंड ऑफ माउंटेन शेप डिवाइडर अब हमें इसमें वाइट कलर इसलिए नहीं करना पड़ा बिकॉज वेबसाइट का जो बैकग्राउंड कलर है वो ऑलरेडी वाइट था नीचे वाले सेक्शन का कलर भी वाइट था तो ये ऑटोमेटिकली आपस में मैच हो गया सो so, इस तरह से आप शेप डिवाइडर का यूज कर सकते हो अपनी वर्ड वेबसाइट में टू मेक इट इम्प्रेसिव एंड रिमेबर वन थिंग ये शेप डिवाइडर का ऑप्शन आपको एलिमेंटर में नहीं मिलेगा आपको सिर्फ एलिमेंटर प्रो प्लगिन में ही मिलेगा तो आपको एलिमेंटर प्रो प्लगन परचेज करना होगा या तो आप डायरेक्टली एलिमेंटर की ओरिजिनल वेबसाइट से इसको परचेज कर सकते हो या फिर आप जाओगे डब्ल्यू बी स्क्रैच डॉट कॉम पे और इस वेबसाइट से आप एलिमेंटर प्रो को परचेज कर सकते हो फॉर जस्ट टेन डॉलर यानी ओरिजिनल प्राइस जो इसकी ओरिजिनल वेबसाइट पे है वो है फोर्टी नाइन डॉलर पर ईयर बट डब्ल्यू बी स्क्रैच वेबसाइट पर आपको ये मिल जाएगा सिर्फ टेन डॉलर्स फॉर लाइफ टाइम तो आप चाहो तो यहाँ से परचेज कर सकते हो या फिर अगर आपको लाइसेंस की वगैरह भी चाहिए तो आप डायरेक्टली इनके ऑथर की वेबसाइट पर जाकर वहाँ से परचेज़ कीजिए आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअल में शेप डिवाइडर वर्ल्ड प्रेस वेबसाइट में कैसे यूज़ किया जाता है इन केस इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा इस टाइप के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और अगर आप चाहते हो कि आपके स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए टिल देन थैंक यू सो मच एंड हैव अ वंडरफुल डे